अमृतसर वो ऐतिहासिक जगह जो जानी जाती है गोल्डन टेम्पल के लिए, जहां पर गुरुबानी की गूंज सुनाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ जलियांवाला बाग की कड़वी यादें भी लोगों के मन में अभी तक है। लेकिन दूसरी तरफ अमृतसर जाना जाता है कुछ ऐसे जायके के लिए जिसका नाम ही अमृतसर से शुरू होता है। अमृतसरी फिश, अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी नान, कुछ ऐसे ही जायकों के साथ और उनका मजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं केसरदा ढाबा जी। हाँ, ये यहाँ का इतना मशहूर जगह है जो यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा, जिनकी वोट बनी है वो जरूर। अच्छी बात है, आपने वोट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कितनी देर से आप लाइन में वेट कर रहे हैं? आधा घंटा तो हो गया अभी। ऐसी वोट में भी लाइन में वो तो जरूर हुआ, तो एक घंटा भी खड़ा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे खाने के लिए भी और वोट के लिए। बिल्कुल। ये बताइए, ढाबा इतना फेमस क्यों है? मतलब आप ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा क्यों फेमस। पता चलेगा जी, जरूर। किसी के बोलने से पता नहीं चलेगा, आप टेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा क्या टेस्ट। बातचीत कर लेते हैं सर। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर आएंगे आप। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रमेश है। ये बताइए कि आपका ये ढाबा जो है इतना मशहूर है, लोग आ जाते हैं दिन भर में? हाँ जी, थोड़ा वेटिंग चल रहा है इसमें अभी, रश सीजन है। कोविड में तो रश नहीं रहा होगा वापस? नहीं, कोविड में इट वॉज टोटली क्लोज डाउन, अभी आके थोड़ा सा पिकअप हुआ है दोबारा। अच्छा, कितने साल से आपकी शॉप? इसको 106 साल हो गए। 106 साल, सेंचुरी बीत गई। आई एम द फोर्थ जनरेशन। आई फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी है आप। तो कौन कौन पर्सनैलिटीज आती हैं खाना जो अमृतसर विजिट करते हैं, उनका एक विजिट यहाँ जरूर रहता है। स्टार्स तो आते होंगे ना? ऑब्वियसली स्टार्स, यूट्यूब पे सबको ही आ जाते हैं। एग्जैक्टली, स्टार्स आते हैं, ऑफिशियली मिनिस्टर लेवल्स के जो लोग होते हैं, हाई कोर्ट्स जजेस, एवरीबडी इज देयर। इवन वंस अमेरिकन एम्बेसडर भी आए थे यहाँ खाना खाने। अमेरिकन एम्बेसडर आए, मतलब आपका पूरे विश्व में, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस। क्या क्या अच्छा मिलता है यहाँ? द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज दैट वी सर्व एक परांठा थाली रहती है, जिसमें दो परांठे रहेंगे, एक दाल फ्राई रहेगी, चना रहेगा, रायता रहेगा। दिस इज द मोस्ट सेलिंग थाली। वी डू हैव पालक पनीर इज द मोस्ट रनिंग आइटम। आजकल सीजन है सरसों का साग का। एग्जैक्टली। क्यों यहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला, शोर, भीड़ ये हमेशा रहता है? यहाँ पर तो कम है, उल्टा आजकल वीकेंड पे तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नहीं नहीं मिल जाए तो। हाँ, लक्की जी, बिल्कुल। एक एक घंटा। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है कि वो 20 तारीख को आप वोट करेंगे, मतदान के लिए जाएंगे, तो सीधा बैठे तो यहाँ पर बजीठिया और सिद्धू जी में है, एक तरीके जो स्टार जिसे कहा जाता है कि ये स्टार जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब तो लड़ते हैं। इस बार तो ना कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप भी है, आगे दो पार्टियों का होता था, कांग्रेस एंड अकाली बीजेपी, अब हो गया तीसरा आप आ गया, एक अमरिंदर सिंह का भी साथ आ गया, तो इस टाइम हाँ तो इस बार वोटर बहुत कंफ्यूज है। बीएसपी तो है ना अकाली के साथ है ना, तो कंफ्यूज है वोटर, बहुत कंफ्यूज है। हाँ, खिचड़ी पक्की जानी है, कुछ नहीं होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा।